नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की इस नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है करंट अफेयर एसपीडी का, करंट अफेयर जो 812 कुल एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा अप्रैल 2023 से लेकर के 1 मार्च 2024 तक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कि वार्षिकांक 2024 जो एसपीडी का सुचित कुमार का है, जो बहुत ही अच्छे बुक होते हैं, अगर आप लोग इस बुक को मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे बुक होते हैं। चलिए आज की सेशन जो है देखेंगे कुल 812 एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी की यूजीसी से श्रेणी वन का दर्जा मिला है। यानी कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी वन का दर्जा मिला है, तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। किसको? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। उसमें दो है, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो दो का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीडन। उसमें तीन है, देखेंगे हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया था। तीन का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजपुर। क्या? भोजपुर। उसमें चार है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। चार का जो आपका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। आगे हैं, देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, क्वेश्चन मार्क। तो पांच का जो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो है आपको जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। ठीक है, देखेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी। सिक्स का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, अदिति सेन डे, है ना। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी, तो अदिति सेन डे, यानी कि आपका सिक्स का डी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली पीच क्यूरेटर बनी है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है, तो सात का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, जैसिंथा कल्याण। आगे है क्वेश्चन आठ है, वर्ष 2014 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। जब वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो आठ का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जवान जो मूवी है शाहरुख खान का, इस मूवी को मिला है, है ना। यानी कि 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो जवान। ये जवान किसका है? शाहरुख खान का मूवी है। चलिए अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ था। तो नाइन का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नौ में। क्या? नौ में। दस नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है। दस का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, माल्टा बना है। क्या बना है? कौन? माल्टा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISI का 119वां सदस्य देश जो बना है माल्टा बना है। BAFTA अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। जानेंगे ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, BAFTA अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ओपेनहाइमर को। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नेमो किस राज्य का राजकीय फल बनी, ओडिशा तमिलनाडु बिहार या असम। तो 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे डी हो जाएगा, यानी कि असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखेंगे किस प्रख्यात लेखक और फ्रांसीसी
कांग्रेसी नेता को, यानी किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए शशि थरूर। क्या? शशि थरूर को। आगे हैं, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए आयरलैंड। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? आयरलैंड। प्रश्न 15 है, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी किनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। 16 नंबर, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर लाल कृष्ण आडवाणी नरसिंहा राव चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है? 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 53। कितने? 53। 14 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई को गोल्डन यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? यानी कि 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी आनंद कुमार सर, मैथ्स का जो आनंद कुमार पटना का सर है उसको। ओके, आगे यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दो नए जिले केई पनियोर और बीचोम बनाने की घोषणा हुई। राज्य में जिलों की संख्या आप कितनी हो चुकी है? 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अब जो जिलों की संख्या कितनी हो गई है 18। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तराखंड। कौन बन गया? उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 19वें शख्स कौन बने हैं? यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 20 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 20 का। लाल कृष्ण आडवाणी, यानी भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? तो लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं ना। चलो आगे 21 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रीति रजक। आगे हैं, 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईजीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 48वां स्थापना दिवस मनाया। 23 नंबर क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू को या नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर? 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी 93वां स्थान मिला है। चलिए आगे, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी पंजाब। कौन बना है? तो पंजाब बना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 26 देंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एरिना, क्या जगह? एरिना सवालेंका। 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि 159। ऑस्ट्रेलिया ओपन, 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जानेंगे तो यानिक सिनर। कौन? यानिक सिनर ने जीता।
आगे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका, कोलंबो, काठमांडू, दुबई। कहाँ? तो कोलंबो में किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी एनिमल। इसके लिए एनिमल है ना। चलिए आगे। 31 नंबर, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटर को लॉन्च किया गया? 31 का आपका हो जाएगा यानी कि डी उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। 32 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी इंग्लैंड। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला? यानी कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के कैप्टन है ना, जो इस बार वर्ल्ड कप भी जीता है इनकी कप्तानी में। चलिए आगे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना? सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान। 34 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि जापान। क्या? जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? यानी तो 35 का आंसर हो जाएगा सी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। ओके चलिए। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए इसके साथ समझौता किया? 36 का जवाब आंसर हो जाएगा बी BPCL। क्या हो जाएगा? BPCL यानी कि बी हो जाएगा। 37 नंबर, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? 37 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 19 बच्चे। कितने? 19 बच्चे को। हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी श्रीधर सोमनाथ को। किसको? श्रीधर सोमनाथ को। इस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया है? 39 का 39 का आपका आंसर हो जाएगा ए आईआईटी गुवाहाटी। 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 नंबर, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो विशाखापट्टनम में। आगे हैं, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी विशाखापट्टनम। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? 42 का आपका आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव जो हैं किस राज्य से राज्यसभा चुने गए हैं? तो ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से। आगे हैं, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4 पदक जीते थे। कितने? 4 पदक। किस पुरुष क्रिकेटर को 45 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सामर जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के हैं। 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी सामर जोसेफ जो वेस्ट इंडीज का है।
चलिए क्वेश्चन है, भारत के पहले सिकल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, पटना, संबलपुर, बताएंगे। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संबलपुर। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है संबलपुर में किया गया। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया, तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया, किसे नामित किया गया, तो 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, शुभम गिल को। किसको? शुभम गिल। आगे 49 नंबर, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी, रैंक क्या थी, तो 50वीं, यानी कि 85। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी, तो 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। नंबर 58, 58वें में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया, 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुलजार कवि और जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी, अतः आपका डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कुमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, 53 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तेलंगाना। यहाँ पे तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यानी कि 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा 25,000 रुपया आप कर दिया गया है, कितना? 25,000। पीएम मोदी ने किस राज्य में बीर लाचिंग, पीएम मोदी ने किस राज्य में बीर लाचिंग बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो 55 का आपका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी असम में। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, किस राज्य विधानसभा में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 56 का यानी कि डी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे हैं, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नंद किशोर यादव जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, आगे राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को मनाया जाते हैं, कब? 13 फरवरी को। पहले डिजिटल इंडिया, ध्यान घुसने में क्वेश्चन है, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर रिच स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया था, 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है, तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब सरकार ने। आगे हैं, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहे हैं, बेवल स्थापित करने जा रहे हैं, यानी कि 61 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिनिकॉय और अगाती, यानी कि सी हो जाएगा दोनों जगह। आगे हैं, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो किस राज्य में है, इसे राज्य के बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है, तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। क्या? ओडिशा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था,
तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी डी, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। आगे हैं, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे? श्रीलंका और मॉरिशस में। कहाँ पे? श्रीलंका और मॉरिशस, यानी कि 65 का आपका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो सुमित नागल ने जीता। कौन? सुमित नागल। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? किस शहर में की गई है? जानेंगे तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे सी, क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। यानी कि 50 ओवर का भी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता और अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता इस बार, है ना। चलिए आगे, वनडे में 2 शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? वनडे में 2 शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी, पथु निशंका, है ना। आपको पता है हमारे यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला 2 शतक मारने वाला जो प्लेयर थे हमारे देश के ही सचिन तेंदुलकर थे, जो 200 रन बनाए थे 2010 में। इसके बाद रोहित शर्मा, इसके बाद वीरेंद्र सहवाग 219 रन बनाए, इसके बाद रोहित शर्मा उनका हाईएस्ट 264 है जो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। बहुत सारे क्रिकेटर अब जो है वनडे में 2 शतक लगा चुके हैं। शुरुआत किसने किया था? तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने। चलिए आगे हैं, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा देंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन है नियुक्त किए गए हैं? तो इम्तियाज करीमी। इससे पहले कौन थे? तो अतुल प्रसाद ये थे, परंतु इनको अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब जो है इम्तियाज करीमी इनके स्थान पे आ चुके हैं। आगे हैं, 72वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, दुबई में। कहाँ पे? दुबई में किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, रामनाथ गोविंद। रामनाथ गोविंद। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, धर्मेंद्र प्रधान को। यानी हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। 76 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा किया है? तो जानेंगे ईरान ने। किसने? ईरान ने किया है। आगे हैं, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ पे? गोवा में किया गया। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई। यानी कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है आपको हैदराबाद में रखी गई है। क्वेश्चन है, पहले
बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया था? 81 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृत मंत्रालय का। किसका? संस्कृत मंत्रालय का। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, 519, 519 शुरुआत किए जा रहे हैं। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV-F14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, इनसेट 3DS, इनसेट 3DS। 85 नंबर क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस। ये है ग्रेमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता? 87 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दिस मोमेंट। क्या हो जाएगा? 87 का, 87 का ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? किसने बनाया? यानी के तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ओलेग कोनोनेको। 89 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। आगे है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का अध्यक्ष कौन है? 90 का आंसर हो जाएगा ए, रंजन प्रकाश देसाई, रंजन प्रकाश देसाई। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो चमक रहा है सितारों की तरह। एक समय ऐसा था जी, यशस्वी जायसवाल अब जो खाने के लिए तरस रहे थे, परंतु अब जो है विश्व में इनका नाम चल रहा है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जिस खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ओके, आगे हम 93, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा यानी ए, रक्षा मंत्रालय को। किसको? रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, सूरत हवाई अड्डा। किसको? सूरत हवाई अड्डा को। 94 का आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे 94 का सी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नींव कहाँ रखी गई है? पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है कहाँ पे? 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिब्रूगढ़ में। ओके, आगे हैं, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? यानी कि तो 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, नीदरलैंड। आगे ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? किसने गोल्ड जीता? तो दिव्यांश सिंह पवार ने। आगे हैं, 98 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? फर्स्ट
क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 98 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, तमन्ना अग्रवाल। कौन बने थे? तमन्ना अग्रवाल, यानी कि 98 का सी हो जाएगा। 99, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? तो पंजाब ने, किसने किया? पंजाब ने। आगे हैं, ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? कौन बनी? तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता? चलिए तो क्या हो जाएगा, 101 का ए, यानी 12 फेल, याद है ना, बहुत अच्छा फिल्म बना है। ये हो जाएगा 101 का। 102, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान को उद्घाटन किसने किया? किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। 102 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा, तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, किससे? बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। 104 में क्वेश्चन है, आईसीसी मैच T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी ने जीता? 104 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 104 का सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य कुमार यादव। कौन सा? सूर्य कुमार यादव। आगे हैं, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? यानी 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, निशा पाहुजा। 106 क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसने प्रदान, यानी किसे प्रदान किया गया? 106 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शुभम गिल को। 'कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के थे? तो बिहार के थे। कहाँ के? बिहार के, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? 108 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, रूफटॉप सोलर पैनल से। 109 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? 109 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, बी हो जाएगा। 10 है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुण योगीराज को भी और नवीन तिवारी को भी, अतः आपका डी हो जाएगा। 111 है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल्स किसने जीता? 111 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ताइजू यिंग। 112 है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। 112 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 नंबर, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। 114 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 114 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहां पे? आंध्र प्रदेश। 115 नंबर क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 115 का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोलह में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। ओके, 117 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? सबसे मजबूत करेंसी जो है कौन सी है? तो कुवैती दिनार। कौन? कुवैती दिनार। आगे 118 नंबर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 शतक अभी तक T20 में मार चुका है ना। ओके, 118 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देश ने भाग लिया? 119 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस और यूए। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस देश ने भाग लिया? तो फ्रांस और यूए। 120, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मानसिंह जीता। कौन जीता था? मानसिंह ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु जो है आपको 16 वर्ष। कितने हैं? 16 वर्ष है। ओके, यानी 121 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सीमा विवाद। क्या है? में कहते हो ना, ये पड़ोसी पाकिस्तान जो है जिसको खाने के लिए भी लाले पड़ता है और हमेशा दूसरे देशों से लड़ते रहता है ना, तो सीमा विवाद यानी कि बी हो जाएगा। ओके, 122 का बी। 123 नंबर, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज किया गया है? यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आए हैं? नीति आयोग के अनुसार, आप सबको पता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद है कि नहीं है? योजना आयोग 2014 में खत्म किया गया था और 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है? 123 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 29% से लगभग 29% से लगभग 11% के आसपास, 29 से 11% पर आ गया है ना। आगे, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, लियोनेल मेसी। 125 में क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? 125 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, एटाना बोनमती। एटाना बोनमती। 126, श्री राम जन्मभूमि परिसर में, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया? प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया। अच्छा से याद कर लीजिएगा, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया, बहुत ही भव्य तरीका से। चलिए, विश्व आर्थिक मंच की 24वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? 127 नंबर क्वेश्चन है, तो विश्वास का पुनर्निर्माण यानी कि बी हो जाएगा। 128 नंबर, रानी माइक्रेथ द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रिंस फ्रेडरिक्स एक्स यानी कि बी हो जाएगा। 129 है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत के सबसे जो लंबे पुल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नोहावा सेवा अटल सेतु। 130 है, किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? 130 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल सबाब। अल सबाब। 131 है, किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? 131 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्कोस। कौन? मार्कोस। 132 है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया छूट गया क्या है क्वेश्चन? 32, रानी ये हो गया था क्या? रानी माइक्रे द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए थे? तो
प्रिंस फ्रेडरिक एक्स किए गए थे। चलिए ठीक है, यानी कि 132 नंबर क्वेश्चन बता दिए ना, 132 का जी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, 133 है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन थे? 133 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात। आगे 134 है, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? यूजीसी ने जो है किस डिग्री की मान्यता रद्द किया है? 134 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एमफिल डिग्री को रद्द कर दिया है। आगे है, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम एथलिस्ट गार्डेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? 135 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो इंफाल है ना। 136 है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? 136 नंबर कौन बनी है? 136 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सू रेडफर्न। 37 है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 137 का आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे ए दीप्ति शर्मा, इसको दीप्ति शर्मा। है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौथा स्थान मिला। 139 है, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? 139 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। 140, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 140 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। बी आई एम एस टी ई सी के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 141 का हो जाएगा आपका सी, इंद्रमणि पांडे। 142 है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? 142 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ओपेनहाइमर। 143 है, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय नए प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं? 143 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? 144 का जो आपका आंसर है सी हो जाएगा, जस्टिस बी आर गवई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्री बाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, वह कौन थी? वह कौन थी? 145 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक। ओके, है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है कौन था? 146 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थान दिवस मनाया गया था? स्थापना दिवस मनाया गया था? 147 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 66वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? 148 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मथुरा में। कहां पे? मथुरा में। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? 149 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीना सिंह। कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? 150 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लखनऊ।
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? 151 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वीटा दानी। आगे है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जीता है। 152 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चिराग सेन। चिराग सेन। आगे है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? 153 का आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे डी, अनमोल खरब। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 154 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 302 करोड़ आवंटित यानी कि दिए हैं, आवंटित किए हैं। 155 है, मत देंगे, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? 155 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किया? 156 का हो जाएगा डी, यानी कि सोलापुर में। कहां पे किया था? सोलापुर में। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? 157 का आंसर हो जाएगा डी, यानी हैदराबाद में। अगर विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? 158 का आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे बी, यानी कि तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाला नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? 159 का आपका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरयू नदी में। कहाँ पे? सरयू नदी में। ओके। 160 है, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? 160 का हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि रमेश बाबू। आगे हैं, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 161 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी, रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? सेवा से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, तो चीता को। किसको? चीता को हमेशा के लिए छुट्टी पर दे आया। चलो अब तुम्हारा सेवा हो गया, अब किसी और से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया, यानी करार किया है? 163 का जो आपका आंसर है हो जाएगा बी, यानी अर्जेंटीना के साथ। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का किताब किसने जीता? 164 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? 165 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसे गोल्ड मेडल जीता? 166 का आपका आंसर हो जाएगा ए, योगेश सिंह ने। किसने? तो योगेश सिंह ने। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? 167 का आपका आंसर हो जाएगा जानेंगे क्या हो जाएगा सी, इंडियन आर्मी ने। किसने किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। आगे T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने, यानी कि 150 मैच जो अभी तक खेल चुका है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? 168 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 में 5 शतक लगाए हैं अभी तक। 169 ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं?
ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हसरंगा जो है ना, जो श्रीलंका के हैं, वानिंदु हसरंगा। 170 है, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई का खिताब मिला है? 170 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पेंच टाइगर रिजर्व, बी हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने समान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? 171, 171 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडसइंड बैंक हो जाएगा, यानी कि बी होगा। अगला 172 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? गंगा शहर का अवार्ड मिला भाई किसको? तो वाराणसी और प्रयागराज को, जो यूपी में है ना। आगे 173 है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया, कहाँ किया उद्घाटन? तो नासिक में किया। कहाँ? नासिक। आगे है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला? तो इंदौर और सूरत को मिला। किसे? इंदौर और सूरत को। आगे 175, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में इस भारतीय ने 27 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? 175 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, अमन सहरावत। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? 176 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, अमीर कुमार और समीर कुमार सिन्हा। क्वेश्चन 177 है, बाय ब्रांड गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 177 आंसर हो जाएगा आपका, जानेंगे सी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो 178 का आपका आंसर हो जाएगा, ध्यानेंगे ए, यानी कि श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 179 का क्या जगह पर सी। इस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? 180 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर। क्या? मणिपुर। हाल ही में चंदू बी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 181 का जो आपका आंसर है बी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। 182 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के, यानी कि मोशन पिक्चर का अवार्ड किससे मिला? तो 182 का जो आपका आंसर है बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन को। 83 है, एशियाई ओलंपिक के क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? 183 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत ने जीता। कौन? भारत ने, है ना। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है हिंदुस्तान ने जीता। आगे हैं 184, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? 184 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चिलका झील। कहाँ पे? चिलका झील। 185 है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? 185 का आपका, 185 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, बहुत अच्छा, यानी कि 185 हो जाएगा आपका बी, 4,797 करोड़। आगे हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? 186 का आपका जो आंसर हो जाएगा, जानेंगे
डी हो जाएगा, यानी कि घोघला बीच, घोघला बीच। सदस्य, किस राज्य के कदियाल साड़ी को जीआईटी टैग मिला है, जीआईटी टैग मिला है। 187 का जो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को। 188 है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। 188 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। यानी प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन जो है आपको उत्तर प्रदेश में किया गया। 189 है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। यानी क्वेश्चन कितना है, 189। 189 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन सा एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से, तो बी आर कंबोज को। 190 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। 191 का आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्विस अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। 192 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनाहत सिंह। भारत का पहला पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, किस राज्य में शुरू किया जाएगा, यानी कि तो गुजरात में शुरू किया जाएगा, जहां से मोदी जी हैं। 194 है, अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 194 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विवेक श्रीवास्तव को। किसको, विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार जो है किसने ग्रहण किया, किरण देशमुख ने। आगे, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, फिलहाल नया नया है, क्या रखा गया है, यानी कि उसका नाम रखा गया है अयोध्या धाम, क्या अयोध्या धाम रखा गया है। आगे है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। 197 का आपका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूजीलैंड। यानी कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो न्यूजीलैंड। आगे है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। 198 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि असम, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। 199 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि अनमोल खरब, अनमोल खरब। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकालने का, एंड के निकलने का फैसला लिया है, तो 200 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंगोला, क्या, अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता, 201 का आंसर हो जाएगा ए, डोमाराजू मुकेश। आगे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला, तो किनको मिला था, तो नील शरण गौर को, किनको, नील शरण गौर को मिला था। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, तो यानी कि हरियाणा ने, किसने जीता है, तो हरियाणा ने जीता। आगे है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता, तो बांग्लादेश। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का है। 205 का क्या हो जाएगा आपका, 205 का ए हो जाएगा, है ना। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता, तो रिजुल मैनी ने, रिजुल मैनी। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास या सम्मान 2023 मिला है। 207 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे डी, यानी कि पुष्पा भारती, इनको पुष्पा
पुष्पा भारती को, दोस्त जानेंगे किसको, पुष्पा भारती। आगे हैं, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, तो किनको, तो बांग्लादेश। 208 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, 209 का आपका आंसर हो जाएगा, डेविड हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आगे हैं 210, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी, तो 210 का आपका जो आंसर हो जाएगा, सी, यानी कि गीतिका कौल। आगे हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, 211 का आपका आंसर हो जाएगा, बी, कंचन देवी। एक दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, जानेंगे, 212 का आपका आंसर हो जाएगा, सी, नागालैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला, हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला, तो संजीव को, किसको, संजीव को। आगे, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC कौन बनी है, तो मनीषा पाटी। एक दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 59वां। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो दिशा नाइक बनी है। किस देश ने टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का किताब जीता है, किताब जीता है, तो इटली ने, कौन जीता है, तो इटली ने जीता है। इस देश के अंकुर वाट मंदिर को दुनिया के आठवें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, किस देश के अंकुर वाट मंदिर को दुनिया के आठवें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि, तो कंबोडिया। ओके, 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 26 नवंबर को NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 75वां। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का नया अध्यक्ष बनाया गया है, 120 का जो आपका आंसर हो जाएगा, सी, यानी कि भारत को, किसको, भारत को। आगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने, यानी कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है, 121 का आपका आंसर हो जाएगा, ए, यानी गल्फ ऑफ आडेन, यानी कि ए, गल्फ ऑफ आडेन। 222, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, 222 का आपका आंसर हो जाएगा, डी, यानी कि तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो 223 का जो आपका आंसर है, यानी क्या हो जाएगा, 223 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हार्दिक सिंह को, किसको, हार्दिक सिंह, हार्दिक पांड्या, यानी हार्दिक सिंह। ओके, 2023 क्या हो जाएगा, 223 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, 224 नंबर क्वेश्चन है, जानेंगे, तो मोहम्मद शमी को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका था, मोहम्मद शमी का। अगर पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 225 का आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 13,000 करोड़, कितने, 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। ओके, 225 का आपका आंसर हो जाएगा, डी। अगर हैं, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, जानेंगे, हो जाएगा आपका आंसर, सी, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता,
किसने जीता, 227 नंबर क्वेश्चन है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। ओके, राष्ट्रीय भूमि ज्ञान, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा डिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया जानेंगे, तो किसने, प्रहलाद जोशी ने। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की, शुरुआत की, 229 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र, 230 है। इसे हाल में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो ध्यान, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पूनम खेत्र, पूनम खेत्रपाल सिंह को, किसको, पूनम खेत्रपाल सिंह को। ओके, आगे, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं, 231 का आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। 232 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया जाएगा, किससे सम्मानित किया जाएगा, तो कहेंगे चिराग शेट्टी को भी, दोनों हो जाएगा चाहिए ना, दोनों हो जाएगा, यानी बी होगा इसका आंसर। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है, यानी कि सबसे महंगा बना है, यानी कि मिचेल स्टार्च, और दूसरा क्या है ये पैट कमिंस, इसको किस टीम ने खरीदा है। तो सनराइजर्स, यानी कि हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने इसे खरीदा है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है, अधिक पदक जीता है, तो हरियाणा ने, कौन, हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे चुना गया है, जानेंगे 235 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रमन सिंह को, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो रमन सिंह को, 235 का आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है, 236 का जो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाराणसी में, सर्वेद ना महामंदिर। चलिए आगे, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद, यानी कि, तो कुवैत के, कहां के, कुवैत के, डी हो जाएगा इसका आंसर आपका। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठवें गेंदबाज कौन बने हैं, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठवें गेंदबाज कौन बने हैं, 238 नंबर क्वेश्चन है, तो नाथन लियोन, कौन, नाथन लियोन। वैसे अब जो है रविचंद्रन अश्विन भी 100 मैच खेले थे और 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं आठवें, तो यानी इसको नब्बे कह सकती हो रविचंद्रन अश्विन को। अच्छा, इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, नियुक्त किया है, तो 239 का यानी कि आंसर हो जाएगा सी, रूबेन अजार, अजार हो गया। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची मोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की, तो शेखर हसन खान। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो हार्दिक पांड्या को, किसको, इससे पहले कौन था, तो रोहित शर्मा था, पर उसको हटा करके हार्दिक पांड्या को नए कप्तान नियुक्त किया है, 241 का आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। आगे, फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया था, जानेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड।
बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा किया? तो हमारे कैप्टन कोल एमएस धोनी को, है ना, 7 नंबर जर्सी था इनका, याद है ना, जर्सी नंबर 7 हमेशा का रिटायर कर दिया। इनकी जर्सी को आप कोई नहीं पहन सकते हैं। 243 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आ गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल। चलिए आज चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू, ये हो जाएगा। कहेंगे 246 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? कहां किया गया है? तो फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो 247 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शुभम गिल। शुभम गिल सारा के बॉयफ्रेंड। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो डेरेक ओब्रायन को। डेरेक ओब्रायन किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार पैनल में शामिल किया गया है? किसे? तो नितिन साहनी को। किसे? नितिन साहनी को। आगे हैं, समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस मनाया गया है? 250 का आपका आंसर हो जाएगा बी, विश्व एड्स दिवस। 251 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? कौन बनी है? कहेंगे तो फातिमा वसीम। आगे हैं 252 नंबर, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है तो कबीर बेदी को। किसको? कबीर बेदी, यानी कि बी हो जाएगा। 53 अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? 253 का आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान को। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? यानी सूर्य कुमार यादव, जो अभी T20 में रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। 255 IMSS ने अर्थव्यवस्था में सुधार के श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता, यानी कि भूखमरी से मर रहा था कौन श्रीलंका, तो कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान किया है? यानी तो 337 मिलियन डॉलर। ओके, सी हो जाएगा। तो 56 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे किसे दिया जाएगा? पद्माधन के क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा मिसिंग है वर्ड। पचपानी लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से किसे किसे दिया जाएगा? 256 का पान हो जाएगा जावेद अख्तर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो निखिल डे को। किसको? निखिल डे को। वार्षिक सार अमरतल्ला त्रागीय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि तो अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यानी कि कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास दिन वृक्ष 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? यानी कि तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, वियतनाम। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया? जानेंगे तो 261 का हो जाएगा आपका ए, नरेंद्र मोदी जी ने। कौन? मोदी जी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 262 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नई दिल्ली में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? रैंक क्या थी? तो 7वां रैंक थी। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? जानेंगे तो लाहौर, सी हो जाएगा आपका। आगे, गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? जानेंगे 265 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जेमिनी। जयपुर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो बी आर अंबेडकर जी का, इनका अंबेडकर जी का। आगे है, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जानेंगे तो अर्जुन मुंडा को, दिया गया है। आगे है, किसे टाइम मैगनीज द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर सम्मान नामित किया गया? किसे टाइम मैगनीज द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो 208 का आपका, सॉरी 268 का जो आंसर हो जाएगा सी, टेलर। आगे हैं, 279, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? 269 का आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात। इसको गुजरात। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानेंगे तो अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? यानी कि किसे? तो सैम ऑल्टमैन को, ऑल्टमैन यानी कि सैम ऑल्टमैन को। हाल ही में टाइम मैगजीन के किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? जानेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक ने, किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। इस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ तो कहां पे? इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? जानेंगे किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संस्कृत मंत्रालय, यानी ए हो जाएगा। पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? तो ध्यान, गार्डन रीच, डी हो जाएगा इसका आंसर। 6 दिसंबर को भारत रत्न द्वारा बी आर अम्बेडकर का कौन सा दिवस मनाया गया था? महानिर्वाण, है ना, 276 का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 86वां। आगे हैं, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो बिहार सरकार है। कौन है? बिहार सरकार खुद। आगे हैं, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? जानेंगे तो मीरा चंद को। इसको मीरा चंद को। आगे हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्स बाउंड्री रेसिटेशन यानी कि सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया था? 279 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर मांडविया जो है, मनसुख मांडविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। चलिए आगे हैं, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। समृद्धि कॉन्सलेवल नामक डिपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया?
जानेंगे तो आईआईटी रोपर, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को किससे चुना गया है, जानेंगे भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय है जो आपको कहां पे है, इसका मुख्यालय जो आपको कहां पे है तो लंदन में है, कहां पे है लंदन में। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक, नया तकनीक पेश किया है, जानेंगे तो गजराज सुरक्षा, क्या हो जाएगा गजराज सुरक्षा यानी बी हो जाएगा। COP28 समिट का आयोजन कहां किया गया, कहां किया गया जानेंगे तो दुबई में, कहां पे दुबई, 285 क्या हो जाएगा आपका डी 86। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है, जानेंगे नागालैंड में, कहां पे नागालैंड में। पीएम मोदी ने दस हजार में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया, जानेंगे 287 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि देवघर में। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, किसने जीता, 288 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश यानी कि सॉरी बी होगा पंजाब होगा, क्या जाएगा पंजाब। 289 एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, यानी कि 289 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रियाद में, कहां पे रियाद में। 290 किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि तो माइकल माइकल है ना माइकल को क्या मार्टिन स्कोरेसेस को या कार्लोस सोरा को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी माइकल डगलस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्ट केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया जाएगा, 292 का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, 293 का आपका आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली। आईसीसी पुरुष T20 विश्व 2024 के लिए अफ्रीका क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है, इसने क्वालिफाई किया है युगांडा ने, किया है क्वालिफाई कौन सा युगांडा। चक्रवात मैकोंग को किस देश ने नाम दिया, चक्रवात मैकोंग को किस देश ने नाम दिया, 295 का आंसर हो जाएगा सी म्यांमार ने नाम किया है। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, 296 का आंसर हो जाएगा बी सुमति सुदर राज। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, यानी कि 297 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3 वर्षों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या है, 298 का कितना 298 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उज्ज्वला। 299 है किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, तीनों फॉर्मेट यानी कि T20 ODI और टेस्ट, 299 का आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि लॉरा वर्ल्ड वॉलवार्ट।
आगे हैं, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो 300 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए बी में क्या है, कलकक्कर। आगे हैं, किस भाषा के लेखक पेरुमल गुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है, सॉरी जेसीबी, हाँ जेसीबी तो है। तो 301 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तमिल। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुलकर पुरस्कार 2023 जीता है, 2023 जीता है। तो 302 का जो आपका आंसर है यानी कि डी हो जाएगा, पॉल लिंच, पॉल लिंच। चलिए चलते हैं 303 पे, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, कौन बनी, जनगत एकता कपूर, कौन, एकता कपूर। 303 में क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, जानेंगे। तो 304 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया, किसने किया। 305 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक, है ना, यानी हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक, यानी 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। आप सबको पता है हमारे ही किंग कोहली, विराट कोहली, जो ओडीआई में 50 शतक लगा चुके हैं, है ना, क्या, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इतना शतक अभी तक कोई भी क्रिकेटर नहीं मारा है, तो हमारा किंग कोहली तो किंग ही है ना। 306 क्या हो जाएगा आपका, शी, हमारे किंग कोहली। 307, ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं, कौन बने हैं, तो आपका बी हो जाएगा, सेम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, कौन बनी है, तो डायना, डायना बनी है, डाइन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, तो बी चंद्रशेखर जी बने हैं, बी चंद्रशेखर। आगे हैं, पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है। 310 का आंसर हो जाएगा, ध्यान के क्या, बी, यानी कि बी का। आगे, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो 311 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देने के सी, एली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज के, है ना। 311 क्या हो जाएगा आपका, सी। आगे हैं, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया, किसने किया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सर्वानंद सोनेवाल। आगे हैं, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 9 नवंबर को भारत ने किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 313 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तराखंड ने मनाया था, है ना, उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया था, तो 314 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीलंका। इस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, यानी कि तो पंजाब ने जीता है, कौन, पंजाब ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां, यानी कि 95वां सदस्य देश कौन बना है, कौन बना है, तो चिली बना है। 317 है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो 317 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत, कौन, भारत।
है ना, यानी कि इस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। तो भारत आगे है, भारत 313, 318, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं, सीआईसी कौन बने हैं, यानी कि तो हीरा लाल समरिया, सामरिया, हीरा लाल सामरिया। आगे हैं, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए, यानी कि आप हेलमेट पहनते रहिए, जरूर करते रहिएगा, टाइम आउट आप आउट हो गए। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने, 319 का कौन हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी। आगे हैं, 320, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो 320 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नंदनी दास को, नंदनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो 321 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे हैं, वर्ष 2023 के रोहिणी नेयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि दीनानाथ राजपूत को, किसे दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडियन परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि तो शिव नादर को, किसको, शिव नादर। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश करेगा, तो सऊदी अरब करेगा, कौन करेगा, सऊदी अरब। 325 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी कि 325 का पास हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान शामिल नहीं है, राजस्थान शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता, तो एतेना बोन माती। आगे हैं, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी 40 बॉल में शतक लगाया था कौन, तो ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया था, कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, है ना। 327 से क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे, 328, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है ना, तो 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो झारखंड, जो हमारे बिहार से ना अलग हुआ था। आगे, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, 329 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इसका हो जाएगा डी, यानी कि नेपाल में। आगे हैं, ISR से अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया गया, उसे क्या नाम दिया गया है, ISR से अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है, तो 330 का आंसर हो जाएगा चंद्रा नाम दिया गया, क्या है, चंद्रा इंस्टीट्यूट। आगे, हाल ही में भारत के महासंरक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो हितेश कुमार को, किसे, हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे हैं, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को, कब, 16 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हैं, नेशनल नेशनल मेटालोजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो 333 का जो आपका हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर देवास देवाशीष भट्टाचार्य को। 134, यानी कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, तो रची रविंद्र को, किसे, रची रविंद्र, जो भारतीय मूल के ही हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, शिमला, मनाली, धर्मशाला या सोलन, यानी कि तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिमला में, सोलन। आगे हैं, इंडियन यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, 336 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में।
पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो डॉक्टर सैयद मुफद सैफुद्दीन बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो फतिमा बीबी है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज यही थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, फतिमा बीबी। आगे है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है यानी कि तो उत्तर प्रदेश में, कहां पे? उत्तर प्रदेश। आगे है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? 340 नंबर। इसका ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात कहो जो कभी। आगे है 341, संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? 341 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी, डी ऑस्ट्रेलिया। नामे में है, क्वेश्चन में आंसर भी छुपा हुआ है। बंगाल के ब्रांड एम्बेडकर किसे बनाया गया है? बंगाल के ब्रांड एम्बेडकर किसे बनाया गया है? जानेंगे तो सौरभ गांगुली को, कहा किनको? सौरभ गांगुली। 342 का क्या हो जाएगा आपका? 342 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे हैं 343 नंबर, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 343 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 344 का जो आपका आंसर है, यानी कि क्या हो जाएगा? 344 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में, किस राज्य में किया है? तो ओडिशा। खुद कहाँ के हैं ये? ओडिशा के ही हैं। आगे है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका किसतवार को। आगे हैं, भारत ने किस देश के साथ फिर से नई वीजा सेवाएं शुरू किया है? फिर से नई वीजा सेवा शुरू कर दिया, क्यों क्यों है? यानी कि कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। ओके, आगे हैं, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? 348 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूएसए। आगे 349, अटल अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है ना? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बी वीरदास बने हैं। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो 352 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमन। आगे हैं, 54वें यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 354 नंबर क्वेश्चन है। 354 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट यानी हमारे हिंदुस्तान के हाथों में आते आते छीना आ गया है ना, त्रिपन हो गया था क्या? 353 क्या था? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था ना? 353 का आपका गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। 352 का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं था क्या? 352 का यानी कि सही है, चलो ठीक है, यानी कि निर्मला सीतारमण। 354,
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना। फाइनल में किसे पराजित किया? तो हमारे देश को ही ये हरा दिया ऑस्ट्रेलिया है ना। 354 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 354 का बी ऑस्ट्रेलिया। आगे 155, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो जानेंगे नीति आयोग को भी और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को भी। अतः आपका डी आंसर हो जाएगा, डी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? रशीद खान, शाहिन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव। 356 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि शाहिन अफरीदी। क्या? शाहिन अफरीदी। आगे हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किस खिलाड़ी ने जीता? यानी कि तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, या सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? मोहम्मद शमी ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो फरीदाबाद में। आगे 359, माउंट एवरेस्ट के पास 21 यानी 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? 359 का आंसर हो जाएगा, जाने गया देखते हैं क्या है। तो सी धन के आंसर होगा बी, शीतल महाजन। 360 है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू हैं? कितने स्टेशनों पर चालू हैं? 360 का जो आपका आंसर हो जाएगा कितना का? 360 का बी हो जाएगा, 1037 स्टेशनों पर चालू हो चुका है, 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया, बैन कर दिया, किस देश के क्रिकेट को? ठीक है, 361 नंबर क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी, यानी कि श्रीलंका। किसको? श्रीलंका को। 361 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? संगीत का शहर घोषित किया तो ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को। आगे हैं, रेलटेल ने दूर संचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसे किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? यानी कि तो आरईसी लिमिटेड के द्वारा। आगे हैं, भारतीय तटरक्षक बल किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? 364 का, 364 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संग्राम। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? 365 नंबर क्वेश्चन है, 365 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आठवीं। कौन सी बार? आठवीं बार है ना। 366 है, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो प्रलय। इसको प्रलय को बी हो जाएगा आपका, 366 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हैं, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत और गौरव पर्यटक ट्रेन शुरुआत करने जा रहे हैं? आपका सी हो जाएगा, आईआरटीसी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ाने के लिए, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? क्या दी है? मंजूरी दी है तो महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी बढ़ाई भी और कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो 369 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इंदौर। क्या? इंदौर हो जाएगा। आगे हैं, 73वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? किसने हासिल किया? 370 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र। 371 है, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? थीम जो है क्या रखी गई थी? थीम जो रखी गई थी,
सेलिब्रेटिंग सेफ्टी है ना, पेशेंट सेफ्टी यानी कि बी हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी यानी कि बी द राइट आंसर। आगे हैं 372 वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दो शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, 372 नंबर क्वेश्चन है। तो ग्लेन मैक्सवेल जो इसी ओडीआई वर्ल्ड कप में मारा था है ना। आगे हैं लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, 373 का आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, सी हो जाएगा। आगे हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, 374 का आपका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो सी हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए वातवानी इंस्टीट्यूट। 76 है फीडे महिला ग्रैंड स्विक्स 2023 का टाइटल भारतीय किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, ध्यान रखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आर वैशाली। 2025 में 24वें एशियाई तिरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, 377 का आपका आंसर हो जाएगा, जानेंगे सी यानी कि बांग्लादेश। हाल ही में किस क्षेत्र में केगो की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, 378 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पश्चिमी घाट। भारत में हाल ही में किस देश के साथ है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया, 379 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इटली। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है ना, जानेंगे तो हमारे ही मोहम्मद शमी है जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आगे हैं चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया बताना है, 381 नंबर क्वेश्चन है। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। 382 क्वेश्चन है एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, 382 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा, देने आपका सी हो जाएगा। ओके सी लुलू। आगे हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स थ्री फी इवेंट किसने स्वर्ण पदक जीता, 383 का आपका आंसर हो जाएगा सी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या राय याद है इसका आंसर। 384 भारत के किस स्टेडियम महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, 384 का जो आपका 384 का आपका आंसर हो जाएगा बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के है। आगे 385 किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है, 385 तो थाईलैंड को। ओके है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 को मेजबानी कौन सा शहर करेगा, 386 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, 387 का आपका आंसर हो जाएगा सी। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है, 388 का आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, यानी कि 379 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डेविड विली, कौन डेविड विली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। ओके
389 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी आ गया। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, यानी कि 390 का हो जाएगा आपका बी कोलिनस, कोलिनस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, कोलिनस ओके आ गया। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीता, कुल कितने पदक जीता, 111 पदक, कितने 111 पदक जीता आगे है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटोर नियुक्त किया है, तो गौतम गंभीर को अपना नया मेंटोर नियुक्त किया है। 392 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, यानी कि कोलकाता जो शाहरुख खान का टीम है इसने अपना नया मेंटोर जो है गौतम गंभीर को नियुक्त किया है, जो कोलकाता को इससे दो बार चैंपियन बना चुके हैं। 393 जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वो किस देश के निवासी था, वो किस देश के रहने वाले थे, तो बांग्लादेश के रहने वाले थे, कहां के बांग्लादेश के। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी लिस्ट से हटाया है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी लिस्ट से हटाया है। 394 क्वेश्चन है, यानी कि 394 किसको हटाया है, तो अल्बानिया को हटा दिया। आगे है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है, 395 नंबर क्वेश्चन है, तो गुजरात, किसको, गुजरात को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया, 396 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मनु भाकर, कौन, मनु भाकर ने। आगे है एयरबस ने भारतीय एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, 397 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, यानी कि डी द राइट आंसर। आगे हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, 398 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। ओके आगे हैं केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है, 399 नंबर का, तो उत्तराखंड से है, किससे, उत्तराखंड से। ओके आगे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया था, तो हरियाणा को, किसको, हरियाणा को, 400 पर हम लोग आ गए ना। आगे हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस तिथि को मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर, कब, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, इस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो मिजोरम का है, किसको, कहां का, मिजोरम का। ओके आगे है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया, उमरोई छावनी में किया गया, जान गए तो मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया ए हो जाएगा इसका आंसर, 403 का, 404 है। हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयकर नियुक्त किया है, तो 404 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजकुमार राव को। ओके आगे हैं 405 जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया, तो 405 का आपका आंसर हो जाएगा आर के गोयल के अध्यक्षता में, बी हो जाएगा 405 का। चलिए इस प्रकार से मैंने आपको 405 क्वेश्चन पार्ट वन में करवा दिया, यानी कि अगर आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट इसका 812 तक पूरा करवा देंगे, पार्ट यानी कि दो में। ओके अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।